आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा लास्ट, ठीक है जी आगे तो फिर आईटी आर्मी का ही है, आगे फौज है सारी, है ना। चाइना की बॉर्डर कितनी दूर होगी यहाँ से? काफी दूर है, 150। वेलकम टू इंडिया लास्ट विलेज। सो गाइस जो नीचे रिवर जा रही है इसका नाम है बसपा रिवर, बसपा बेली में है और इस रिवर का नाम है बसपा, और ये जाके मिलती है आगे सतलुज में। तो अभी मुझे बताया अपने राइडर पीछे शीतल और वरुण ने कि इस रिवर का नाम है बसपा और वो है सामने चिटकुल, छोटा सा विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज। इसके आगे तो फिर आर्मी का कैंप है, फिर आर्मी की चेक पोस्ट है आगे, फिर वो जाने देते इससे आगे। तो क्या बात है, जबरदस्त एक नंबर व्यू है गाइस, एक नंबर यहाँ के। सो आ गया गाइस यहाँ पे लगा है बोर्ड ग्राम पंचायत चिटकुला। सो यहाँ पे लगा था बोर्ड ग्राम पंचायत चिटकुला, आपका स्वागत करती है। तो हम पहुँच चुके हैं गाइस चिटकुल में और ये है सामने चिटकुल। बस गाइस यही है लास्ट विलेज और आज का ब्रेकफास्ट और करके चलेंगे हम यहाँ से वापस फिर शिमला की तरफ। आगे गिरी हुई है बर्फ, तो ये बर्फ जो है ना ये पानी गिरा हुआ है, देखो ये पानी बहुत खतरनाक होता है, यहाँ से बाइक निकालना रिस्की और बहुत ही खतरनाक काम है। हम निकालेंगे साइड से इसीलिए यहाँ से, क्योंकि ये बर्फ जम चुकी है, जमी हुई बर्फ से पानी बर्फ पाई निकालना बहुत ही रिस्की है, मिट्टी में थोड़ी ग्रिप बनती है टायरों की ना, ये टूट रही है बर्फ। आह लो जी, और ये है चिटकुला बस स्टॉप और अब हम पहुँच चुके हैं चिटकुल। चिटकुल में गाइस आप सबका भी स्वागत है। तो ये है चिटकुल, इंडिया का लास्ट विलेज, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ढूंढते हुए अच्छा सा रेस्टोरेंट, फिर खाएंगे खाना, ब्रेकफास्ट करेंगे मस्त वाला। क्या बात है जी। सो ये है चिटकुल बसपा रिवर कैंप, सनी स्नो व्यू रिजॉर्ट। होटल्स काफ़ी हैं गाइस, यहाँ पर भी काफ़ी होटल हैं, ओयो को भी काफ़ी होटल हैं यहाँ पे, ओयो से भी बुक कर सकते हैं होटल्स, गेस्ट हाउस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उधर से माउंटेन का व्यू देखिए आप, कितना जबरदस्त है। आहा, स्नो ढकी हुई है, स्नो स्नो स्नो, ये भी स्नो गिरी है देखिए। चिटकुल गाइस बहुत खूबसूरत जगह है, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ लोग बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे। इससे आगे भी जगह एक देखते हैं वहाँ जा पाते हैं, जाते पाते 20 किलोमीटर है यहाँ से, वो दुमती विलेज है दुमती करके। सो गाइस यहाँ पर भी जोस्टल है चिटकुल, ये हिंदुस्तान वाला आखिरी ढाबा कहाँ पे है वो आगे इससे रोड के साथ ही है, ठीक है जी। अच्छा कोई मैकेनिक मिल जाएगा यहाँ पर, सांगला मिलेगा ना, सांगला सांगला, तो मैकेनिक यहाँ मिलेगा नहीं कोई। तो ये मोड़ पे कह रहे आखिरी ढाबा हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जाके हम खाएंगे भोजन ग्रहण करेंगे भोजन। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा कहाँ पे है वो, इसके नीचे चाहिए ही है, रास्ता कहाँ से है? इसके नीचे है ढाबा, ये रास्ता इधर से। तो गाइस ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ठहरिए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये ज्यादा ये मिल गया हमें ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, क्यों ना भूले। तो अब यहाँ जाके आज का जो ब्रेकफास्ट है हमारा यही होगा, हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में होगा, इधर लगाते इधर। तो आज का लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही करके चलेंगे यहीं से हम। क्या बात है, ये है नीचे ढाबा, ये है नीचे ढाबा, आखिरी ढाबा दिखा भी ऊपर, चलते हैं नीचे फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हीरो हीरोइन आते रहते हैं, फोटो चाहिए इन्होंने। ये देखिए, क्या हाल अंकल जी, आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत फेमस हो गए हो। हम चंडीगढ़ से आए हैं, मेरे भाई बहन सारे बुजुर्ग सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, वैसे है हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, मैं कांगड़ा से हूँ, वो होशियारपुर से है, पंजाब तो जी, और एक बंदा अपना नदौन से है। आप तो बहुत फेमस हो गए, फेमस में तो बंदे से फोटो चाहिए आपने। आप आर्मी में थे पहले? नहीं मेरा बेटा है। अच्छा ये बेटा आपका आर्मी में है? नहीं फिल्म वाला लिया शूटिंग में। अच्छा शूटिंग में लिया था, ये तो एक्टर है, बढ़िया अंकल जी बढ़िया। ये हीरोइन का नाम क्या भूल गया मैं यार, सारा, हाँ सारा अली खान, ये सारा अली खान के साथ। ये कौन है? ये सविता भट्टी, जसपाल भट्टी की वाइफ। अच्छा जसपाल भट्टी की वाइफ है ये, ओके ओके ओके। तो ये है हिंदुस्तान का ढाबा,
अब यही ब्रेकफास्ट करेंगे हम, आज का ब्रेकफास्ट यही होगा हमारा। सो गाइस लंच कर लिया हमने और अभी पी रहे हैं चाय, कड़क चाय। चाय कड़क होगी बिल्कुल, मजा आ गया एकदम, बढ़िया बढ़िया चाय एकदम, दम ला दिया चाय ना। अदरक ठोक के पाया, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं गाइस आपको, फिर थोड़ा आगे जाएंगे आधा किलोमीटर तक ITBP की जहाँ पोस्ट है, फिर आगे वहाँ से फिर वापस सांगला के लिए। तो गाइस ये हैं हमारे अंकल, इनका है ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है इनके साथ, जैन जैन। तो यहाँ पे रुके थे बस, इसके आगे ये लास्ट विलेज है हिंदुस्तान का भी, तो इसके आगे जो चेक पोस्ट है, आगे ITBP की चेक पोस्ट है हम आगे, तो ये हमारे एबिस भाई भी, तो बस यही था। अंकल जी बोलिए आप कुछ। क्या बोल सकता हूँ मैं, बोलो कुछ बताओ, कुछ यहाँ का चितकुल के बारे में बताओ, आप बोलिए के बारे में बताओ, चितकुल के बारे में बताओ, कैसा गांव यहाँ, और सुनो कब तक पूरा बंद कब हो जाता है ये? मार्च अप्रैल मई तक रहता है, पूरा मई तक बर्फ रहेगी, ऊपर पर रहता है भाई पूरा। अच्छा अच्छा, पहाड़ों में। और अप्रैल ये नीचे सड़क खुल जाती है, अप्रैल तक सड़क खुल जाता है, ये बर्फ रहता है, अरे पर रोड खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अभी ये बंद कब हो जाएगा? अभी बस अभी दिसंबर से, मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक तो पूरा बंद रहता है, कल परसों को आ जाएगा बर्फ, बंद है, फिर बीच में रोड खुल जाता है, हमारे भाई बहने सारे आ जाते हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ हमारे भारत की भाइयों को बहनों को कि ये कोरोना का हिम्मत नहीं तोड़ना, बस तोड़ना नहीं, बस जबरदस्त वही गाइस, एडवेंचर करते रहे और कोविड के लिए भी एक अच्छा संदेश दिया, पूरा हिम्मत और हौसले से काम ले, थोड़ा जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको बरतें, तो काफी अच्छा मैसेज अंकल की तरफ से भी हमें मिला, तो बस यहीं से निकलेंगे हम भी। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ पूरा मेरे भारत के भाई बहने, बस घबराना नहीं, बस हिम्मत रखना, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आओ तो अंकल से मिलके जाओ, जब भी आए तो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबे पे आप खाना, अखबार में भी आया हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अखबार में भी है इनका फोटो, वो भी ये दिखाते हैं आपको। पहले मैंने दुनिया देखी है, अब दुनिया मुझे देख रही है, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, क्या बात है, क्या बात है। ये सारे फिल्म स्टार, ये भी फिल्मों में आते हैं, नाम नहीं पता, कुमार अच्छा लगा, कोई और है, ये हीरो आता है, देखा है मैंने फिल्मों में, हाँ कुणाल कपूर, कुणाल कपूर है, कुणाल कपूर, राइट। सो ये देखिए गाइस, ये अंकल का ढाबा, ठीक है जी अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आपसे अब। सो चलते हैं गाइस, अंकल जी से मिल लिए अब हम, लो जी गाइस चल रहे हैं ऊपर अभी, जहाँ हमारी बाइक पार्क है। तो ये ना रोड से थोड़ा नीचे है ढाबा, जैसे आप एंटर करोगे चितकुल, एंट्री पे ही ये चितकुल का ही ढाबा है, एंट्री करते ही जब इधर से आओगे आप सांगला की साइड से, तो फ्रंट पे बोर्ड लगा हुआ है इनका, ठहरिए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, तो ये बोर्ड लगा, और यहाँ से व्यू, यहाँ सा ऐसा व्यू आता है कुछ एकदम जबरदस्त, ये यहाँ का सराउंडिंग का व्यू मस्त। तो गाइस रास्ते अगले 3-4 दिन के बाद बंद हो जाएंगे, सो लास्ट हम ही थे यूट्यूबर जो आए यहाँ पर, मुझे लगता है जहाँ तक, उसके बाद कोई विंटर में जिसने आना होगा आ जाएगा, सड़कें आए तो सांस फूल रहा है अभी। अब यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ पे ITBP की पोस्ट है। सो गाइस जस्ट निकले अभी हम हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे से, और आगे जाएंगे थोड़ा आधा किलोमीटर तक, और ये है देखिए रानी गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस काफ़ी है यहाँ पर, आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी, बट लेकिन यहाँ बुकिंग करके आए तो आपको आगे पीछे रुक जाइए अगर आपने बुकिंग नहीं की हुई है। वैसे भी चितकुल में ठंड बहुत है, रुकने का रुकने जगह आपको बहुत ठंड लगेगी यहाँ पर, आपको तो टेम्परेचर -15-20 चला जाएगा, क्योंकि स्नो भी गिरी यहाँ पर माउंटेंस पे। और थोड़ा आगे तक जाएंगे हम, यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखिए जगह जगह पर टॉयलेट बनाए हुए हैं पब्लिक के लिए, तो ये पब्लिक टॉयलेट है, ये देखिए हैंड वॉश और पब्लिक टॉयलेट टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे, ये हिमाचल में आपको हर जगह मिलेंगे जहाँ टूरिस्ट प्लेस होगा, जो सा भी टूरिस्ट प्लेस होगा वहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे। अब हम थोड़ा जा रहे हैं माउंटेन के तरफ, जो आपको दिखा रहे थे हम स्नो वाले माउंटेन, बस यहाँ थोड़ा आगे जा पाएंगे, इससे आगे जाने देंगे क्योंकि इसके आगे फिर चाइना की बॉर्डर है। तो हम आगे हैं इस समय 1 किलोमीटर आगे चितकुल से, और यहाँ भी काफ़ी घर है, यहाँ पे आई थिंक आर्मी की रहती है, ज़्यादा आर्मी की ही पोस्ट है यहाँ पर, यहाँ से आगे हमें नहीं जाने दिया जाएगा, लास्ट विलेज आइए देखिए,
और यहाँ से ITVP का कैंप है। आगे नहीं जाने देंगे? अच्छा लास्ट, ठीक है जी। आगे तो फिर आईटी आर्मी का ही है, आगे फौज है सारी, है ना। चाइना की बॉर्डर कितनी दूर होगी यहाँ से? काफ़ी दूर है, 150 किलोमीटर तक काफ़ी दूर होगी। नहीं वापस यहाँ से सुना ये है, यहाँ पे ITVP का कैंप, तो यहाँ से जाने देंगे। तो ये देखिए यहाँ से सिर्फ चाइना की जो बॉर्डर है यहाँ से बताया 150 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, ये ITVP चेक पोस्ट लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, डोंट वरी यू आर इन सेफ हैंड। ये अच्छा लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ लिखा हुआ है डोंट वरी यू आर इन सेफ हैंड ITVP। ये स्नो चैन डाली है इन्होंने टैरों में। गाइस आप स्नो चैन भारी देखो टैरों में इन्होंने। ये ITVP के ट्रक जा रहे हैं। अच्छा आर्मी भी आ गया है, उधर ही है तो जम्मू बॉर्डर पे है। ठीक है सर, ब्यूटीफुल व्यू, बाय बाय। ये देखिए यहाँ से आगे तो जा ही सकते हैं। अब नीचे जाएंगे वापस सांगला। अब सांगला लगेगी हमारी ब्रेक यहाँ से, तो चलते हैं सांगला के लिए। और बर्फ़ ये तो अभी कुछ नहीं है बर्फ़, अब आप हफ्ते बाद आओगे पूरा रोड बंद हो जाएगा, क्योंकि कल परसों स्नो लगी हुई है। हम ठीक टाइम पे आ गए, अगर दो दिन बाद आते हैं तो यहाँ रास्ता सारा बंद होता है। अगर रास्ते पे स्नो गिरी होगी फिर तो बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आ भी जाते तो गिरते पड़ते हुए आते हैं यहाँ पर हम, यानी कितनी बार गिरते बाइक से अपनी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हम ठीक टाइम पे आए, हमें स्नो भी मिली, स्नो दिखा भी दी गाइस आपको, देखिए कितनी स्नो है, काफ़ी हद तक ये 3-4 दिन पहले गिरी है स्नो अभी, ये यानी कि लास्ट वीक गिरी है स्नो ये, अब ये पिघलेगी नहीं, अब ये मार्च के बाद ही पिघलेगी, क्योंकि जब तक ये पिघलेगी तब तक और गिर जाएगी। अभी आएगी आपको गाइस बर्फ़ टूटने की आवाज़, कच कच कच। ये देखिए ये जम गया पानी, ना पानी जम गया देखिए, ओए होए होए होए। पता नहीं क्यों है यहाँ पे बार बार कैमरा ऑन करने का मन करता है, बंद करने का मन ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद मोड़ के बाद हर बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, मन करता है ये भी शॉट ले ही ले यार। तो यहाँ पे लिखा है टेक ओनली मेमोरी लीव्स ओनली फुटप्रिंट। आय हाय क्या बात लिखी यहाँ पे, टेक ओनली मेमोरी लीव ओनली फुटप्रिंट, थैंक फॉर विजिट अगेन चिटकुल। तो यहाँ से गाइस हम अपनी यादें लेके जा रहे हैं और फुटप्रिंट यहीं छोड़ के जा रहे हैं हम अपने। तो यहाँ से हमने बहुत सी यादें इकट्ठी की हैं गाइस, और अपने जो फुटप्रिंट है वो यहीं रहेंगे, निशान हमारे यहीं रह जाएंगे। आए थे हम यहाँ पर और यहाँ से हमने अच्छी अच्छी पिक क्लिक की हैं, और जो पिक है गाइस आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिलेगी देखने में, मेरी मिलेगी AVS व्लॉग्स पहले इंस्टाग्राम पर, और फ्लोरे की मिलेगी फ्लोरे राइडर्स पर, और वरुण की मिलेगी वरुण नोटे पर। तो सबकी अपने अपने इंस्टाग्राम पर आपको पिक्स देखने को मिल जाएंगी। इतना शानदार व्यू है, यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से वापस, बट क्या करें जाना पड़ेगा। देखिए ये सूखा माउंटेन है, उसके आसपास बर्फ़ गिरी हुई है। भगवान की माया, ये ज़्यादा हाइट पे नहीं हुआ, वो काफ़ी हाइट पे है मगर माउंटेन्स। फिर आ गए हम वापस चिटकुल। ये देखिए चिटकुल कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में, छोटा सा गाँव, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप 3-4 दिन बाद आओगे जितने भी घर है ना आपको इन सब पे बर्फ़ गिरी दिखेगी बर्फ़, पर अब तो आधे ज़्यादा बर्फ़ पिघल की हुई गिरी होगी, लेकिन पिघल की होगी। लेकिन आप अगर हफ्ते बाद आओगे तो यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हुआ होगा, क्योंकि कल का स्नोफॉल लिखा हुआ है फॉरकास्ट वालों ने। और अब हम पहुँच चुके हैं वापस चिटकुल, बहुत ही अच्छा विलेज है ये भी, खूबसूरत। थैंक्स विजिट अगेन, ये आई थिंक होम स्टे है किसी का। और यहाँ आर्मी वाले चैन स्नो चैन उतार रहे हैं, देखिए स्नो चैन बांधी हुई है, आगे बर्फ़ गिरी हुई काफ़ी ना, स्नो चैन की मैं चलती हुई गाड़ी आगे। तो जीरो स्पीड से चलती है। अच्छा जी क्या बात है जी, हाँ स्नो चैन। आगे कोई विलेज भी है ऐसे आगे आपकी? कोई आगे आप ही आर्मी है? अच्छा अच्छा ठीक है जी, हाँ जी अच्छा गाड़ी है।
तो ये आर्मी वाले थे गाइस, काफी अच्छा लगता है आर्मी वाले से बात करके। तो बता रहे हैं इन्होंने कि आगे कोई विलेज नहीं है, लास्ट विलेज है हिंदुस्तान का। ये जो विलेज है लाखरी विलेज है गाइस, इससे आगे कोई विलेज नहीं मिलेगा आपको। हेलो, कैसे हो भाई? भाई आप कैसे? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो? उत्तराखंड? अच्छा अच्छा, बढ़िया 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 जी बढ़िया। राइडर ही हो आप भी हैं? बढ़िया बढ़िया, मैं बस घूमता हूँ। घूमता ही हो, ठीक है। आप इससे आए हो तो आज रुकोगे यहीं पर? यहाँ तो मिल जाएंगे आपको, खाली पड़ा आज तो, अभी तो खाली पड़ा है, कम है टूरिस्ट। आप कल से आए हो? हम आए थे परसों, निकले थे हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ जाता हूँ मैं, सारे दो राइडर पीछे आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ से निकले थे हम, रात को रुके थे नारकंडा, फिर सुबह कल हमने हाथू पीक गए, हाथू पीक से फिर रात को आए यहाँ पे, फिर हमने रुके थे सांगला में रात को। हम भी तो कल रात को सांगला में रुके थे। अच्छा, आप भी रात को रुके थे? कब पहुँचे थे आप? हम पहुँचे थे 6:30। आप हमसे पहले पहुँच गए, फिर हम आपके बाद पहुँचे हैं 7 बजे। हम लेट हो गए थे काफ़ी। हम तो वापस बस ये लास्ट है, वापस अब सीधा जाएंगे हम, रुकेंगे रात को रामपुर या नारकंडा। अच्छा, वापसी। मेरा फ्रेंड आया था लास्ट टाइम, तो नीचे नदी के पास, बहुत अच्छा नदी के पास है, जा सकते हो नदी के पास। आप बस स्नो ही दिखेगी वहाँ पे भी आपको, सेम ही लगेगा हर जगह। तो ये है। और इधर लास्ट में शायद आप यहाँ जो कैंप आर्मी वाला, वहाँ जाए हम, वहाँ जाके आए, वहीं से आए हम जाकर। पीछे रुक गया दोस्त मेरे। चलो चलो फिर, ठीक है, चलें। ठीक है भाई, ओके ओके, बाय। बेस्ट ऑफ लक गाइस, तो मिलते हैं फिर कभी मिले तो। राइट भाई, ये उत्तराखंड आए कभी हम? एवीएस फ्रीडम राइडर सबके जाना है। सो गाइस, कुछ राइडर मिले थे हमें, ये उत्तराखंड से आए थे ये, और ये आए थे रॉयल एनफील्ड पर हम क्रॉस कर रहे हैं चिटकॉल। ये गाड़ी है ये चंडीगढ़ से। तो ये गाड़ी है ये चंडीगढ़ से, और हम निकल रहे हैं वापस। ये है हिंदुस्तान का ढाबा, आखिरी ढाबा। अब देखिए माउंटेन कितने हाइट पर लग रहे हैं, आपको तो काफ़ी दूर दिख रहे होंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूरे सामने कोई चट्टान खड़ी है, रास्ता रोके हमारी कोई चट्टान खड़ी है ऐसे लग रहा है। ये देखिए, और बर्फ़ तो काफ़ी गिरी, अच्छी बात है, इसी देखने तो आए हम। स्नो ही स्नो, रोड के किनारे किनारे आपको गाइस स्नो दिख रही होगी एकदम मस्त। और यहाँ पे बाइक चलानी पड़ेगी थोड़ी धीरे धीरे बचा के, अगर हल्की सी स्पीड दी और आपने ब्रेक मारी एकदम से, टायर हो जाएगा आपका स्किट और आप जाओगे रगड़ते हुए आगे तक। ये देखिए स्नो गिरी हुई, गाइस स्नो। मार मार यार, निकाल इसको भाग यार, बीमार कर देगी, अंदर नहीं जाने चाहिए, बाकी सब ठीक है, नहीं है ना? अंदर हाँ, अपने आप निकल जाएगी। तो गाइस थोड़ा स्नो से मस्ती कर रहे अभी हम ये। तो यहाँ की थोड़ी सी मस्ती हमने बर्फ स्नो के साथ खेले, मैं और वरुण शीतल कर रहा अपनी बैटरी चेंज। हो यहाँ नीचे का खेत है इनके ना, ये यहाँ पे शायद एप्पल उपल ही खेती करते होंगे ये। ये देखिए नीचे, अगर नीचे गिरा तो रास्ता बंद ही हो जाएगा। देख रहे थे आप? तो यहाँ पे रास्ते गए ऐसे ही हैं, खतरनाक खतरनाक रास्ते। हाँ हाँ हाँ, दिल खुश हो गया गाइस यहाँ आके। चितकुल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चितकुल और कल्पा सेम ही लगती है देखने में, कल्पा ही बहुत अच्छी जगह है। कल्पा यहाँ से गए, चितकुल से है कोई? चितकुल तो नहीं, चितकुल से 73 किलोमीटर है कल्पा, वैसे वही करचम से रास्ता कटता है, करचम से ही दिखाएंगे आपको आगे। वो रात को वो मिस कर दिया, तो अब दिखाएंगे आपको, तो वो अब दिखाएंगे आपको। सो गाइस, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया, चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है avs_vlogs_bikervishu, तो मुझे उस पर फॉलो कर सकते हो आप, वहाँ मुझे DM भी कर सकते हो आप। एक साइड है खाई, क्या नीचे खाई देगी नीचे, उस लग रही हो किसने खतरनाक सीधी खाई स्ट्रेट है, सीधी ऐसे है। और अपने दो राइडर वो जा रहे हैं आगे, वो देखिए है।
यहाँ वैसे कैमरा ऑफ करने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, कोई भी यूट्यूबर आएगा यहाँ पे कैमरा ऑफ कर ही नहीं पाएगा वो अपना व्यू ही कुछ ऐसे है, क्या करें। सांगा रह के यहाँ 3 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर, ओह क्या बात है। अब आया थोड़ा रोड मक्खन, थोड़ी स्पीड चढ़ते हैं यहाँ से, और एक साइड है खाई। एक्चुअली यहाँ थोड़े रोड नैरो है थोड़े, इसलिए ये देखिए बहुत ही आराम से निकालनी होती है गाड़ी यहाँ पर, बहुत प्यार प्यार से जल्दबाजी की नहीं तो सीधा आप नीचे। और ये देखिए नीचे रास्ता देखिए गाड़ी कैसे है, शू 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 ऐसे जाएंगे नीचे हम भी। अब देखिए रोड, देखिए जलेबी रोड जलेबी की तरह बना हुआ देखिए गाइस खूबसूरत लग रहे नीचे घर, ये ऊपर बर्फ और नीचे घर, कितना एंजॉय करते हैं लोग यहाँ के। एंजॉय भी करते हैं लेकिन जिन जो रहते हैं इनको पता है ये कैसे रहते हैं यहाँ पे ठंड। अभी तो बर्फ गिरी नहीं, जब बर्फ गिरेगी ये सारे घर स्नो से ढक जाएंगे, स्नो हो जाएगी बिल्कुल पूरी स्नो ढक जाएंगे ये। नहीं सांगला में तो होगी, सांगला तो आई गया ही आगे, वो आगे दुकान आगे यहाँ नहीं मिलेगी मुझे लगता है, आगे मिल जाएगी। ठीक है ओके थैंक यू। सो यहाँ पूछते हैं किन्नौरी राजमा बट मिले नहीं, फिर चलते हैं आगे। अब वापिस पहुँच गए हम सांगला, सांगला में पहुँच चुके हैं हम वापिस। ये है सांगला, सांगला विलेज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है ये। 200 तो ज़्यादा महंगा नहीं हो गया क्या, मिल नहीं रहते ऐसे होगा। तो लगा दो 2-3 चार हमारे आदमी नहीं है ना आगे से, तो हमने क्या करना, कुछ नहीं करना। जैसे प्याज है, प्याज तो नीचे से आ रहा था, वही बात ना, यहाँ तो नहीं किन्नौर की राजमा तो यही होता है आपके, यही बेशक होता है ना, तो यहाँ प्रोडक्शन है ही नहीं इसका इतना ना। चलो 2 किलो कर दो, चलो अब 200 का ही मिलेगा। चलो ठीक है 200 रुपये कर दो आप राजमा, किन्नौरी राजमा 200 रुपये से कम दे ही नहीं रहे ये। बादाम है, बादाम और अखरोट किन्नौर का है, लाइटो बादाम भी किन्नौर का है, अपने हाथ से खा के देखो। बादाम कैसे दिए? 450 रुपये किलो।